हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप लोगों को पता है जियान नेक्स्ट कौन सी फिल्म लेने वाला है? अगर आप लोग 3000 बर्निंग फिल्म के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग थोड़ी सी गलत हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जियान के पास अभी के लिए कुल मिलाकर 5 फिल्म्स है और उनमें से 3 हेवनली फिल्म्स जियान के पास है, जो है 19th रैंक की ग्रीन लोटस फिल्म और 14th रैंक की फॉलन अर्थ फिल्म और इसके साथ साथ मास्टर याओ लाओ की दिया हुआ 11th रैंक की बोन चिलिंग फिल्म, जो जियान यूज करता है अपनी एंग्री पुत्र लोटस में अपने से 4 या 5 स्टार ज्यादा लेवल के बंदों को मारने के लिए। पर इसके अलावा भी जियान के पास 2 और फ्लेम्स है। तो पहला है पर्पल बीस्ट फ्लेम, जो जियान के फर्स्ट फ्लेम भी है, और हमने BTTH के स्पेशल एपिसोड में जियान को ये फ्लेम लेते हुए देखा था और इस फ्लेम को लेने में यूनियन जियान की बहुत मदद की थी। वैसे तो जब जियान वो इंग्स को रिफाइन किया था, तब हेवन डेमन फिनिक्स ट्रैक के ब्लड एसेंस के प्रेशर ने जियान के पर्पल विंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट जियान के पास इस फ्लेम की कोर अभी भी है। और सेकंड नंबर पर आती है डेमन फ्लेम बेली के लो ग्रेड की ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली फ्लेम, जो जियान ने डेमन फ्लेम बेली के फास्ट एल्डर फेंगलियान को मार के लिया था। वैसे में इस फ्लेम के बारे में बताऊं तो इस फ्लेम की जो टेम्परेचर है वो हेवनली फ्लेम के आसपास ही रहती है, बट इस फ्लेम की भी लेवल होती है जो डिपेंड करता है इस फ्लेम की बनाने की मेथड और यूज किया गया इंग्रेडिएंट्स और ब्लड एसेंस के ऊपर। बट डेमन फ्लेम बेली का जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम था वो काफी ज्यादा वीक था जियान के हेवनली फ्लेम के कंपैरिजन में, और इस फ्लेम की हाफ एनर्जी को जियान ओल्ड डेमन गोस्ट को मारने के टाइम एंग्री बुद्ध लोटस को बनाने में यूज किया था, और इस फ्लेम के बाकी हाफ एनर्जी जियान के स्पेस ट्रेवलिंग में किसी जेट की बोतल में अभी के लिए स्टोर है। और सिक्स फ्लेम जो जियान लेने वाला है वो भी एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम है, जिसकी एनर्जी हजारों सालों से फायर कोर में स्टोर हो रही है। वैसे तो ये फ्लेम कोई हेवनली फ्लेम नहीं है, बट ऑर्डिनरी बीस्ट फ्लेम से ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और इस फ्लेम को जियान लेने वाला है सिल्लन के ई क्लैन से। और जियान जब लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए पॉइजन बॉडी को रिफाइन करेगा, तब जियान इस फ्लेम को भी ले लेगा, और ई क्लैन के जो लोग है इस फ्लेम को सन फ्लेम के नाम से बुलाते हैं। तो यही होगा जियान के नेक्स्ट फ्लेम। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।